हाय बच्चों, वी होप आप सब ठीक होंगे एंड अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। मेरा नाम विपाशा है। नमस्ते, मेरा नाम प्रियाली है और हम दोनों ट्रांसफॉर्म स्कूल संस्था के साथ काम करते हैं। किड्स, हैव यू एवर सीन अ फॉलिंग स्टार? इजंट इट फैसिनेटिंग? एंड यू मस्ट हैव लर्नड अबाउट द सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट्स एंड हीट एंड एनर्जी इन स्कूल। Let us find out more about the wonders of the universe, that is astronomy. Astronomy को सबसे पुराना साइंस माना जाता है। इसमें हम celestial objects, यानी कि ब्रह्मांड और आकाश में जो ऑब्जेक्ट्स मौजूद रहते हैं और उनमें हो रहे बदलाव और घटनाओं के बारे में जानते हैं। मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की भाषा से हम ब्रह्मांड की शुरुआत और उससे जुड़े इतिहास की खोज करते हैं। एस्ट्रोनॉमी की मदद से हम प्लैनेट्स, स्टार्स, सन, मून के बारे में भी जानेंगे जिन्हें हम देख सकते हैं, और कुछ ऐसे भी चीजें जानेंगे जो ब्रह्मांड में बहुत बहुत दूर स्थित है जिसे हम नहीं देख सकते, जैसे कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स। अब पियाली दीदी आपको प्लैनेट्स के बारे में बताएंगी। ओके, तो चलते हैं प्लैनेट्स के बारे में समझ लें। तो सौरमंडल में ना हम जो बात करेंगे, हम जाना जो चीजें उससे शुरू करके जो अनजान चीजें उस तक पहुंचेंगे। तो सौरमंडल में जाना पहचाना सा कौन सा चीज है? सूर्य है, प्लैनेट्स है ना? तो पहले उसके बारे में जानते हैं। तो ये जो सूर्य है, इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। इनके जो किरण है, उसके किरण से ही हमारे प्लैनेट्स में दिन होते हैं और नई किरण रहने से रात होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सौरमंडल में जो चीज है वो सूर्य है, एंड उसके साथ साथ है 8 प्लैनेट्स यानी के ग्रह। तो ये 8 प्लैनेट कौन कौन से है ये थोड़ा जान लेते हैं। और मैं सबसे करीब से शुरू करके, सूर्य के जो सबसे करीब है उससे शुरू करके दूर तक पहुंच रही हूं। सबसे करीबी जो प्लैनेट है वो है मार्कर, उसके बाद है वेनस, फिर है अर्थ, फिर मार्स, फिर है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब ये जो 8 जो प्लैनेट्स है इसको 2 भागों में बांटा जाता है। जैसे कुछ ऐसे प्लैनेट है जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट यानी कि रॉकी प्लैनेट है, और कुछ ऐसे प्लैनेट भी है जो जोवियन यानी कि गैसियस प्लैनेट है। अब 4 प्लैनेट हमारे ऐसे हैं जो रॉकी और रॉकी है। वो 4 कौन है? वो 4 है मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। और जो गैसियस प्लैनेट है वो भी 4 है, वो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और इसमें से सबसे छोटा जो प्लैनेट है वो है मरकरी, एंड सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। और हम जब पढ़ाई किए थे तब एक और प्लैनेट हुआ करता था, उसका नाम था प्लूटो। तो अब क्या हुआ, वो प्लूटो और प्लैनेट नहीं रहा, ये प्लूटो अब ड्वार्फ प्लैनेट यानी के वामन ग्रह हो गया है। अब ये वामन ग्रह क्या करता है, वो नेपच्यून का जो एक्सिस है यानी के अक्षपथ है, उधर एक जगह है जो जिसको कुइपर बेल्ट कहा जाता है, एक रीजन है जो डोनट शेपेड है और जो बहुत ही आइसी एक रीजन है, उसमें प्लूटो चला गया है। तो अब प्लूटो ग्रह नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे, ये जो 8 ग्रह या प्लैनेट्स के बारे में मैं बताई, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ फैक्ट्स जानेंगे जो आगे जाके हमें हेल्प करेगी। जैसे कि मरकरी, अब मरकरी के बारे में एक फैक्ट है कि मरकरी बहुत जल्द गर्म और बहुत ठंड भी हो जाता है। अब इसपे इसलिए होता है कि मरकरी का जो वायुमंडल है वो काफी हल्का है, थिन है, और इसको इसके लिए वो ठंड और गर्म जल्द हो जाता है। और मरकरी के बारे में ये बात भी है कि मरकरी सूर्य को एक बार घूमने के लिए 88 डेज का टाइम देता है, पृथ्वी लेता है 365 डेज, मरकरी ओनली 88 डेज। क्यों? क्योंकि मरकरी सूरज के सबसे पास वाला ग्रह है। अब आते हैं वेनस, वेनस पे। वेनस एक ऐसा प्लैनेट है जो 8 प्लैनेट में से सबसे हॉट प्लैनेट है, मतलब हॉटेस्ट है वेनस, क्योंकि इस ग्रह में सबसे तेजी से सूर्य का किरण पहुंचते हैं। अब इसके बारे में एक मजेदार चीज है, अच्छा पृथ्वी में सूरज कौन सी दिशा से आता है सुबह? वो पूरब से और जाता है पश्चिम से, मगर वेनस में इसके सिर्फ बिल्कुल उल्टा होता है, सूरज आता है पश्चिम से और चले जाता है पूरब में, है ना ये मजेदार बात। अब आता है अपना ग्रह पृथ्वी पर। आपने कभी पृथ्वी का फोटो देखे है? एक फोटो हम दिखा रहे हैं, उसको देखिए गौर से, देख पाएंगे कि पृथ्वी का कलर है नीला रंग। अब क्यों ये नीला है? पृथ्वी को अगर 3 हिस्सों में बांटा जाए तो उसके 2 हिस्सों में पानी पड़ा हुआ है, इसलिए पृथ्वी का कलर नीला है।
और अगर पृथ्वी का पूरा पानी का मैं टोटल कर लूं, उसमें से 3% पानी ऐसा है जो पीने लायक पानी है। और पृथ्वी के वातावरण के बारे में तो हम सब वाकिफ है, ये वातावरण काफी बैलेंस्ड है, इसीलिए इस पे इंसान, पशु पक्षी, जीव जंतु सारे जिंदा रह पाते हैं। हाँ, तो मार्स के बारे में आप बात करते हैं। मार्स है रेड प्लैनेट, क्योंकि मार्स में जो मिट्टी है वो रस्ट से भरा हुआ है और इसपे बहुत सारे एक्सपेडिशन किया गया है, जैसे मिशन मंगल मूवी थी, ऐसे कई सारा इंसान ने बहुत जानने का कोशिश किया है एक्सपेडिशन करके जो मार्स में, हालांकि इंसान रह पाएगा कि नहीं। तो ये रहा मार्स के बारे में। अब हम देखते हैं जुपिटर के बारे में। जुपिटर में सबसे मजेदार बात है कि हमारे इधर एक चांद दिखता है आसमान में, मगर जुपिटर में 75 ऐसे चांद दिखता है, सोच सकते हो। और जुपिटर के बारे में ये बात है कि ये प्लैनेट ना गैस से भरा हुआ है और ये बाकी प्लैनेट से सबसे बड़ा है। मान लो अगर मैं 8वां ग्रह में से जुपिटर को अलग करके बाकी 7 को इकट्ठा करती हूँ और उसके मास से 2 गुना करती हूँ, तब वो जुपिटर उससे भी बड़ा है। अब बात है सैटर्न यानी कि शनि ग्रह में। शनि ग्रह में एक बहुत सुंदर दिखता हुआ ये ग्रह है और इसके चारों तरफ एक सुंदर बला या रिंग देखा जाता है और कई बार खाली आंखों से भी ये शनि ग्रह देख पाते हैं हम लोग। और ये सूर्यमंडल का सेकेंड लार्जेस्ट ग्रह भी है। अब आते हैं यूरेनस प्लैनेट पे। यूरेनस प्लैनेट ब्लू और ग्रीन कलर का होते हैं क्योंकि इसके वातावरण में मीथेन गैस भरा हुआ है। टेलीस्कोप से ये ग्रह को सबसे पहले देखा गया था और ये ग्रह पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। अब आते हैं हम लोग लास्ट ग्रह यानी के नेपच्यून में। क्योंकि नेपच्यून सूरज से सबसे दूर में अवस्थित है, इसीलिए नेपच्यून काफी ठंडा ग्रह है, इस पे ठंड बहुत ज्यादा होती है। नेपच्यून में एवरेज टेम्परेचर ही होता है -200°C। तो भी नील कलर का होता है क्योंकि इस पे भी मीथेन का आधिक्य पाया जाता है। कैसा लगा ग्रह के बारे में जान के? अब हम अगला सेगमेंट के बारे में जानेंगे जो गैलेक्सी और सोलर सिस्टम के बारे में है, ये बताएंगे विपाशा जी। तो अब आते हैं कि गैलेक्सी किसे कहते हैं। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, वैसे ही कई और सोलर सिस्टम्स, स्टार्स, गैस, कई प्रकार के डस्ट पार्टिकल्स एक गैलेक्सी में होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी के बल से एक साथ एक गैलेक्सी में संग्रहित होते हैं। हमारा पृथ्वी और सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है, जिसे हिंदी में आकाशगंगा भी बोलते हैं। अब हम सन के बारे में जानेंगे। हमारे गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं, लेकिन सूर्य यानी कि सन सबसे बड़ा स्टार है। सन जो कि सोलर सिस्टम के एकदम बीच में है, एक येलो ड्वार्फ स्टार है एंड इट इज अ हॉट बॉल ऑफ ग्लोइंग गैसेस। सूर्य से हमको गर्मी और लाइट प्राप्त होती है, जिससे पृथ्वी में जीवन संपन्न होता है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से ही सोलर सिस्टम के सारे ग्रह उनके ऑर्बिट में स्थित रहते हैं। अब जानते हैं एक्लिप्स यानी कि ग्रहण कैसे होता है और उसमें सूर्य की क्या भूमिका है। ग्रहण तब होता है जब कोई प्लैनेट या फिर मून सूर्य से आने वाली लाइट के रास्ते में आ जाता है। पृथ्वी में हम दो प्रकार के ग्रहण अनुभव कर सकते हैं, सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स और चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर इक्लिप्स। यहाँ स्क्रीन पे देखिए कैसे सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण होता है। मून पृथ्वी के चारों तरफ एक ऑर्बिट में घूमता है और इस पिक्चर में देखिए कैसे मून बिल्कुल सूर्य और पृथ्वी के बीचों बीच स्थित है। यह तभी होता है जब मून सूर्य से आने वाली लाइट के रास्ते में आ जाता है और पृथ्वी पर अपनी छाया डालता है। आप सबने कभी ना कभी सूर्य ग्रहण देखा होगा और सोचा होगा कैसे दिन के समय सूर्य ढक जाता है और चारों तरफ अंधकार हो जाता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही होता है जब तक मून उस पोजीशन में रहता है। देखिए नेक्स्ट पिक्चर में टोटल इक्लिप्स कैसे दिखता है दिन के समय। अब भले ही आप सूर्य ग्रहण को कहीं से भी देखें, ये बहुत जरूरी है कि आप कभी सूर्य की तरफ खुले आंखों से ना देखें, उससे आंखों में परमानेंट डैमेज हो सकता है। सूर्य ग्रहण को ऑब्जर्व करने के लिए सोलर एक्लिप्स व्यूइंग ग्लासेस पाए जाते हैं जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं। अब हम जानेंगे लूनर एक्लिप्स के बारे में। आप जानते हैं चंद्र ग्रहण कैसे होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटता है दूसरे प्लैनेट्स की ही तरह, और इस पिक्चर में देखिए कैसे पृथ्वी सूर्य और मून के बीच में स्थित है। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से मून से टकराने के रास्ते में आ जाती है, मतलब पूर्णिमा की रात चांद पृथ्वी के छाया से ढक जाता है। कभी कभी चंद्र ग्रहण
या चांद लाल या ऑरेंज भी दिखता है। 26 मई 2021 का चंद्र ग्रहण का चांद कुछ ऐसा दिख रहा था। अब हम जानेंगे कुछ नाइट स्काई के बारे में। अब चलते हैं नाइट स्काई की तरफ। आपने रात के वक्त स्टार्स तो ऑब्जर्व किए होंगे, पर कभी सोचा है कि स्टार्स इतने ब्राइट कैसे होते हैं? आकाश में चमकते तारे दरअसल विशाल आकार के गर्म गोले हैं, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बने हैं। हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस में न्यूक्लियर फिशन होने के कारण ये गोले बेहद गर्म और ब्राइट नजर आते हैं। सूर्य जैसे एक येलो ड्वार्फ स्टार है। हमारे गैलेक्सी में सबसे ब्राइटेस्ट तारा सीरियस को बोला जाता है। रात के आकाश में स्टार्स कई तारामंडल यानी कि कॉन्स्टेलेशन बनाते हैं, जैसे सप्तर्षि तारामंडल जिसे कि द बिग डिपर भी बोलते हैं। तारामंडल एक इमेजिनरी पैटर्न है जो हम एक ग्रुप ऑफ स्टार्स से बनाते हैं। ऐसे 88 तारामंडल अभी तक पाए गए हैं। तो अब आपको पियाली दीदी बताएगी कि एक तारा जब मर जाता है तब क्या होता है। तो अब हम जानेंगे ब्लैक होल्स के बारे में। ब्लैक होल्स क्या है, मैं बहुत आसान तरीके से कोशिश कर रही हूँ समझाने, हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और आप लोग आगे जाके और पढ़ाई करोगे तो इसके बारे में और पता चलेगा आपको। तो श्याम बीपर यानी कि ब्लैक होल ब्रह्मांड में एक ऐसा पिंड है जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स यानी के गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल है कि उस पर रोशनी भी नहीं जा सकती, और उसमें कोई भी वस्तु जाते हैं तो उसका टाइम भर और गुरुत्वाकर्षण बल पूरा ही विलुप्त हो जाता है। अब देखते हैं कि ये ब्लैक होल बनते कैसे है। ब्लैक होल एक अनंत घनत्व और द्रव्यमान तक वाला पिंड है। ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु को अगर हम कंप्रेस करके बहुत ही छोटा कर दे तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बढ़ जाता है, और इतने बढ़ जाता है तभी वो ब्लैक होल कहलाती है। अब मान लो पृथ्वी है अपना, या उससे 13 लाख गुना बड़ा जो सूरज है, अगर उसको बहुत छोटा करके कंप्रेस करके एक मटर दाने का अगर शेप दिया जाए तो वो भी ब्लैक होल कहलाएगा। अब आपको चिंता हो रही होगी अगर सूरज और पृथ्वी ब्लैक होल हो जाए तो हमारा क्या होगा। चिंता ना कीजिए, इसमें एक बात है कि सूर्य ऐसे ब्लैक होल नहीं बन सकते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि ब्लैक होल में द्रव्यमान की तुलना में गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। मगर हम जानते हैं कि पृथ्वी और सूरज इस तरह से संकुचित नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी और सूरज दोनों का द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल इतना कम नहीं है। इसका ये भी मतलब है कि सारे स्टार्स यानी कि तारा मृत्यु के बाद ब्लैक होल नहीं होते हैं। कुछ कुछ तारा होते हैं जो ब्लैक होल बनते हैं मृत्यु के बाद। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जब पहला ब्लैक होल जाना गया था ब्लैक होल के बारे में, तो वो पहला ब्लैक होल कौन सा डिस्कवर हुआ था? उसका नाम था सिग्नस X1। ये भी आप जान के रखो। और ब्लैक होल के बारे में थोड़ा और इंफॉर्मेशन कि कितने तरीके का होता है। अभी तक जितना पता है हमें वो 3 तरीके का ब्लैक होल हमें दिखता है। एक है स्टेलर मास ब्लैक होल, मतलब जब कोई बहुत बड़ा तारा मर जाता है और ऐसे कंप्रेस हो जाता है तो वो स्टेलर मास ब्लैक होल होता है। और इसके बाद आता है सुपर मासिव ब्लैक होल, मतलब नाम से ही पता चलता है अगर इससे भी बड़ा तारा या ग्रहानुपुंज अगर वो मृत्यु होते होके कंप्रेस होती है तो वो सुपर मासिव ब्लैक होल होते हैं। और तीसरा है प्रीमोर्डियल और स्मॉल ब्लैक होल, जो जब कोई छोटा तारा की मृत्यु होती है वो बनता है स्मॉल ब्लैक होल। तो इसके बारे में आप लोगों ने अभी जाना एस्ट्रोनॉमी के बारे में, और हमें जरूर बताइएगा आपको इससे क्या क्या पता चला, अच्छा लगा या कौन कौन की चीज में और अच्छा हो सकता था। तो अब इसी के साथ हमारा ये सेशन आज हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।